नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN और आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे भारत के ऐसे युवा वर्ग की जिन्हें सरकारी नौकरी की और उन नौकरियों से जुड़ी होने वाली परीक्षाओं का इंतज़ार है। देश के लोगों को अगर कोई बात बुरी लगती है या किसी बात पे अगर विरोध करना होता है तो अब लोग मुखर होकर के ऐसा करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर प्रधानमंत्री के मन की बात की वीडियो की बात करें तो उसका जो डिसलाइक है वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए अलार्मिंग है। पहली बार सरकार को भी एहसास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी एहसास हुआ है कि अगर जनमानस के मन में कोई गंभीर मुद्दा हो, ऐसे में खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर बनने का जो फंडा है या जो उपदेश है वो लोगों को पसंद नहीं आता है। देश के लोगों को जब ये बात पसंद नहीं आई है तो प्रधानमंत्री के वीडियो पे ये गुस्सा उतरा है जहां लाखों में डिसलाइक गया है। और ये बटन पहले कहा जा रहा था कि जो नीट और जो जेई के जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा के आयोजन से खुश नहीं है और उन लोगों ने ये बटन दबाया है, लेकिन ये बटन दरअसल उन लोगों ने नहीं दबाया है, ये बटन उन लोगों ने दबाया है जिन्हें SSC, रेलवे, CGL जैसे परीक्षाओं का इंतजार है। लाखों में ये अभ्यर्थी हैं जिन्हें इन परीक्षाओं का इंतजार है। अगर SSC की बात करें, CGL की बात करें, रेलवे की बात करें, RRB परीक्षा है, NTPC से जुड़ी हुई है, लाखों अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार ने फैसला लिया तो नीट और जेई के लिए। कांग्रेस के दो बड़े नेता, एक राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट के जरिए सरकार को दूसरी परीक्षाओं को करवाने के लिए कहा है जो नीट और जेई से अलग है, उनका फोकस SSC की तरफ था। उसी तरह प्रियंका गांधी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जो SSC एग्जाम है, जो रेलवे के जो एग्जाम है, उनकी जो पिछली परीक्षाएं हैं उनका रिजल्ट अब तक नहीं आया है, उसके तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही उन्होंने छात्रों के धैर्य और सब्र को नहीं परखने के लिए सरकार को सलाह दी है। ऐसे में कांग्रेस चीन के साथ विवाद के बीच रोजगार को लेकर के सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बार बार सरकार को युवाओं और रोजगार की याद दिला रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल जिस आर्थिक सुनामी की बात कर रहे थे वो GDP के माइनस में जाने के तरफ इशारा कर रहे थे, जो अब जो रिपोर्ट आया है उसमें वो साफ है। गौरतलब है कि इस बार का जो GDP रिपोर्ट है वो माइनस में 23 के आसपास है। सरकार के स्तर पर, देश के स्तर पर आर्थिक हालात पे कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये सच है। लेकिन ऐसे में युवाओं का रोजगार एक बड़ा मामला है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं और स्पोक्स पर्सन है रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि देश के 2.5 करोड़ युवा परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने लगभग 10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे हैं। तो नीट और जेई के परीक्षाओं के तरह रणदीप सुरजेवाला का भी कहना है कि इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस ने #SpeakUpForSSC के जरिए एक अभियान चलाया है। कांग्रेस का यह मानना है कि इस हैशटैग के जरिए देश के युवा जो SSC परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं वो जुड़ेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। युवा परेशान है, ये एक सच्चाई है जिससे कोई भाग नहीं सकता, और केंद्र के साथ जो राज्य सरकारें हैं उनको भी जवाब देना है। कहे कि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो राज्य सरकारों को भी आयोजित करना है, और कांग्रेस की भी सरकारें ऐसे 7 राज्य हैं जहां आज हैं। ऐसे में कांग्रेस को सवाल पूछने से ज़्यादा अब सवाल के जवाब भी देने हैं कि उनकी पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं वो इन परीक्षाओं को लेकर क्या कर रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के वीडियो पर डिसलाइक ने BJP की चिंताएं बढ़ा दी है। 6 साल में ये पहला मौका है जब सरकार को और पार्टी को जनता का सीधा रिएक्शन मिला है, जो जाहिर है कि उसके फेवर में नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पे अब हम बात करना चाह रहे हैं वो है उम्र। जो अभ्यर्थी सरकार की जो नौकरियां हैं और जो इससे संबंधित जो परीक्षाएं हैं जो उनका इंतजार कर रही हैं, उनका उम्र एक बड़ा फैक्टर है। जब सरकार ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा
कि नीट और जेई की परीक्षा इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि एक साल छात्रों का बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जो सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी उम्र एक बड़ी सीमा है। अक्सर ये पढ़ने और सुनने में देखा जाता है कि 6 महीना के कमी के कारण या 3 महीना के कमी के कारण कोई अमुक व्यक्ति फलाने परीक्षा में अपियर नहीं हो पाया, तो उम्र एक बड़ा फैक्टर है जिस पर गौर करना पड़ेगा। हालांकि जो जवाब सरकार ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में नीट और जेई को एग्जाम को लेकर, उससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो है लिमिटेशन ऑफ सीट। ये तर्क अकाट्य है कि अगर एक साल के लिए अगर जेई या मेंस जो नीट के जो छात्र हैं उनको अगर रोक दिया जाता तो अगली बार जो छात्रों की संख्या है वो डबल हो जाती जबकि सीटों की जो संख्या है वही रहती। ऐसे में जो कंपटीशन लेवल होता वो बहुत हाई हो जाता और जो छात्रों की संख्या होती उसे संभालना भी इतना आसान नहीं होता। जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उनकी सीट की संख्या नहीं बढ़ने जा रही है, इसलिए ऐसे हालात में नीट और जेई का एग्ज़ाम जो है वो तर्कसंगत है। साथ ही ऐसे में अगर ये सवाल है तो ये लाजमी भी है कि सरकारी नौकरियों के इंतज़ार में कई लोगों ने अपनी उम्र सीमा को पार कर दिया है। लॉकडाउन के कारण जिन परीक्षाओं को 6 महीने से ज़्यादा टाला गया है, कई ऐसे अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ रहे हैं कि उनकी उम्र भी निकल चुकी है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम रही होगी लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पहले से ही रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना एक खतरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन नीट और जी की तरह जिस ढंग से सरकार ने और कोर्ट ने परीक्षाओं के लिए रास्ता साफ कर दिया है, उसी तरह से युवाओं से जुड़े जितनी सरकारी नौकरियों से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए भी सरकार को चाहिए कि रास्ता खोल दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार।